जयराम नाम के एक सज्जन व्यक्ति थे। वो उनके पत्नी के साथ रहते थे और वो रात का खाना खाने के बाद कुछ वक्त के लिए बाहर जाकर टहलते थे। ये इनका नित्य क्रम था। एक दिन की बात है, एक रात वे हमेशा की तरह रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें मंदिर के रोशनी में पढ़ाई करता हुआ एक 15 साल का लड़का दिखा। ठंड की वजह से वो बेहाल था, पर फिर भी वो किसी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। अब जयराम जी हर दिन उसे वही मंदिर की रोशनी में पढ़ाई करता देखते थे। जयराम जी ने सोचा कि उस लड़के से एक बार जरूर मिले, और इस तरह से उन्होंने साथ में पत्नी के पास से बचा हुआ खाना पार्सल ले लिया और जयराम जी उस लड़के के पास गए। जयराम जी को देखकर वो लड़का जरा सा मुस्कुराया, मानो वो जयराम जी को काफी दिनों से जानता हो। जयराम जी ने पूछा, बेटा आप यहाँ बैठकर पढ़ाई क्यों करते हो? सर, मेरे घर में बिजली नहीं है ना, और मेरी माँ बीमार रहती है, तो दीये में तेल डालकर पढ़ने की मेरी हैसियत नहीं है। बेटा तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? सर आप भगवान हो क्या? नहीं बेटा। सर आप मेरे लिए तो भगवान ही हो। जयराम जी ने उसकी बात टालकर उससे पूछा, खैर वो छोड़ो, तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए पार्सल लाया है। इस पर वो लड़का बोला, सर मैं इसीलिए मुस्कुराया, मुझे पता था कि वो कोई भी रूप में आकर मुझे खाना खिलाएगा। जब जब मैं भूखा होता हूँ तो तब तब मुझे जरूर कुछ ना कुछ वो दे ही देता है, कभी यहाँ के नारियल तो कभी प्रसाद। आज मैं भूखा था, पर मुझे पूरा विश्वास था कि वो किसी ना किसी बहाने मुझे मिलने जरूर आएंगे, और आप आ गए, आप मेरे लिए भगवान ही तो हो गए ना। ये सुनकर जयराम जी निशब्द हो गए। अनजाने में उनसे पुण्य का काम हो रहा था। वो रोज अनजाने में कर्ज की वजह से भगवान को कोसते थे, पर उसी ने आज उन्हें भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। उस लड़के ने वो खाना आधा ही खाया और कहा, सर आप यही रुकिए ना, मैं ये आधा खाना मेरी माँ को देके आता हूँ। जयराम जी की आंखों से पानी आ गया। वो लड़का 5 मिनट के बाद वापस लौट आया और साथ में कुछ फूल लाया। सर मेरी माँ कहती है कि जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उस भगवान के चरणों में हमें फूल अर्पण करने चाहिए। जयराम जी वहां से चले गए। कुछ दिन बाद लॉकडाउन लगा, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए और रास्ते सुनसान हो गए। ऐसे ही एक दिन जयराम जी को उस लड़के की याद आ गई, तो वो मंदिर के पास चले गए। मंदिर बंद था और लाइट भी, वो लड़का उन्हें कहीं नजर नहीं आया। जयराम जी को बुरा लगा और वो सोचने लगे, बेचारा कहां गया होगा इस महामारी में, क्या खा रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। ऐसा सोचकर वो घर वापस आ गए। महामारी की वजह से अनेकों ने अपने प्राण गंवाए। ऐसे ही जयराम जी के एक मित्र पॉजिटिव होकर चल बसे। जयराम जी उस मित्र की अंतिम यात्रा के लिए शमशान गए थे, अचानक उन्हें वो लड़का वहां दिखा जो मंदिर की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का वहां कपड़े सुखा रहा था। उस लड़के ने जयराम जी को पुकारा, सर। अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर अब मैं यही शमशान में रहता हूँ, हमने घर बदल दिया है क्योंकि घर का किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उसी बीच लॉकडाउन में शिव मंदिर बंद हो गया और मंदिर की लाइट भी, फिर माँ मुझे यहाँ पर ले आई। चाहे कुछ भी हो जाए पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा माँ हमेशा कहती थी। उस शिव मंदिर के दरवाजे तो बंद हो गए पर इस शिव मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वहाँ जिंदा इंसान आते थे और यहाँ मरे हुए, बस इसी लाइट के नीचे मेरी पढ़ाई चलती रहती है। सर मैंने हार नहीं मानी, माँ कहती थी जिसने जन्म दिया है वही पेट भरेगा। फिर तुम्हारी माँ कहाँ है? जयराम जी ने पूछा। सर वो कोरोना की वजह से चल बसी, 3 दिन खांसी बुखार था फिर वो चल बसी, फिर मैं कहीं गया ही नहीं। यहाँ पड़े लकड़ियों से मैंने माँ को अग्नि दे दी, 14 दिन यहीं पर एक कॉपर में क्वारंटाइन रहा। माँ हमेशा कहती थी कि सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, वो हमारे फायदे के लिए ही होते हैं। दुख तो इस बात का है कि मैं पास हो गया ये देखने के लिए मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। कल ही मेरा रिजल्ट आया और मैं स्कूल में पहला आया हूँ। मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब हमारे स्कूल के टीचर लेने वाले हैं, पर अब समस्या यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। इतना कहकर उसने एक छोटे डब्बे में रखी शक्कर जयराम जी के हाथ पर रखी। सर लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और डिब्बा रखने के लिए वहां की झोपड़ी में वो चला गया। उसी टाइम
जयराम जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी लड़का वापस आया और कहा, सर मुझे पता था कि भगवान इस दुनिया में है, वो मेरी खुशी के लिए, मेरी पीठ थपथपाने के लिए जरूर आएंगे। वो लड़का आगे कुछ और बोले, तभी जयराम जी ने अपने पॉकेट से हाल ही में खरीदा हुआ मोबाइल उसके हाथ पर रखा और वहां से चल दिए। अब जयराम उस लड़के के मोबाइल का हर महीने का रिचार्ज करते हैं, वो भी ना भूलते हुए। तो दोस्तों, कोरोना का संकट सच में बड़ा है। इस महामारी के चपेट में समाज का हर एक व्यक्ति आ रहा है। सबसे ज्यादा असर उन बेचारे गरीब को हो रहा है जिनका इस महामारी से कोई संबंध भी नहीं है। उन गरीबों को दो वक्त की रोटी जुटाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की बात चल रही है, हम तो व्हाट्सएप, जूम या गूगल मीट के माध्यम से अपनी पढ़ाई घर में आराम से कर पा रहे हैं। पर कभी सोचा है उन बेचारे गरीबों का क्या हाल होता होगा जो रोज एक वक्त का खाना खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? उनके पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल और इंटरनेट कैसे आएगा? इस महामारी से हमारे समाज में एक भयंकर दूरी निर्माण हो रही है जो भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। आपसे गुजारिश है कि आपके आसपास के जरूरतमंद की जरूर मदद कीजिए। यही सही वक्त है एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने का। धन्यवाद। ये कहानी है गरीब यशोदा की। उसके पति को गुजरे अभी साल ही हुआ था और उसे एक बेटा था, मुन्ना। यशोदा एक बंगले के लिए लगाने वाले ईंटे का उठाने का काम करती थी और उसके बेटे के साथ वो एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी। बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। बंगले का काम लंबे दिनों तक चलने वाला था तो उसे रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मजदूरी उसे समय समय पर मिल जाती थी। घर का आटा खत्म होने से पहले ही दूसरा आटा घर में आ जाता था। दो वक्त की रोटी, रहने की जगह और मुन्ने के साथ शाम को खेलना, यही उसकी जिंदगी की खुशी थी। पर अचानक देश में लॉकडाउन घोषित हो गया, उसका काम भी बंद हो गया। उसकी उम्मीदें अब टूटने लगी क्योंकि घर में खाने के लिए आटा खत्म होता जा रहा था। मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा था। कल से मुन्ना को भी खाने को कुछ नहीं मिल पाएगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं मुन्ना को किस मुंह से मना करूंगी रोटी को? कल जब उसे भूख लगेगी तो वो मेरी तरफ देखेगा। अड़ोस पड़ोस में भी तो कोई नहीं है जिसे मांग कर खिला सकूं। मेरी मदद करो भगवान। यशोदा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतना बुरा वक्त भी आएगा। आज जितना आटा था डब्बे में, उसने उससे दो रोटियां बनाई थी। मुन्ना को दिन भर रोटियां खानी होंगी, इसलिए वो खुद भूखी रही। एक रोटी मुन्ना को खिलाकर बची हुई एक रोटी जब वो खाने बैठी तो उसे मुन्ना सामने दिखाई दिया। मुन्ना को अगर रात में भूख लगी तो क्या खिलाऊंगी उसे? वो सोच में पड़ गई। फिर से उसने सोचा, मुन्ना ने एक दिन पूरी एक रोटी नहीं खाई तो क्या बिगड़ेगा? पेट की आग अब मातृत्व पर हावी हो गई थी। अच्छा ठीक है, आधी ही खा लेती हूँ, आधी मुन्ना के लिए रखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने आधी रोटी खा ली और खूब पानी पी लिया। अब उसे एक ही सवाल बार बार सता रहा था कि कैसे आधी ही रोटी दिन भर मुन्ना को खिलाएगी। भूख और चिंता उसे खाए जा रही थी। दिन ढलने लगा और मुन्ना को फिर से भूख लगी तो उसने वो आधी रोटी भी उसे दे दी। मुन्ना बोला, माँ आज बस इतनी ही रोटी है? यशोदा के मुंह से ना हाँ निकल पाया और ना ही ना। कैसे बताए वो मुन्ना को कि ये आधी रोटी भी उसने खुद भूखा रहकर बचाई है। क्यों माँ, तुम भी तो खाओगी, मुझे और भी खानी है रोटी। मुन्ना के सवाल शुरू हो गए थे और यशोदा के आंखों से आंसू भी। खाना खाने के बाद मुन्ना आंगन में खेलने चला गया। यशोदा अब चिंता में डूब गई क्योंकि अब रात को खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे लिए नहीं पर मुन्ना के लिए तो कुछ दे दो। और वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी से एक आदमी उतरा और माइक पर बोलने लगा, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं, जिसे भी आटे की जरूरत है यहाँ आकर ले जाए, एक एक किलो आटा हर परिवार को दिया जाएगा। आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले इकट्ठे हुए
ये सुनकर यशोदा के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो मुन्ना से बोली, जल्दी भाग मुन्ना, कहीं भीड़ ना हो जाए, हमें वो आटा हर हाल में मिलना चाहिए, भाग जल्दी। ये सुनकर मुन्ना भी जोर से दौड़ने लगा, पर वो कुछ दूर दौड़ने के बाद नीचे गिर गया। उसे चोट आई और खून बहने लगा। फिर भी यशोदा ने उसे वैसे ही उठाया और तेजी से गाड़ी की तरफ भागी। मुन्ना जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर यशोदा का पूरा ध्यान अब सिर्फ 1 किलो मिलने वाले आटे पर था। यशोदा लाइन में खड़ी हुई, पर अभी भी मुन्ना जोर जोर से रो रहा था। चोट काफी गहरी थी। वहाँ खड़े एक सज्जन आदमी ने ये देखा और उसे आगे बुलाकर उसके हाथ में 1 किलो आटे की थैली थमा दी। यशोदा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनकी तरफ कृतज्ञ से देखा और अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ी। बस मुन्ना अब अपने घर आ गया। आज तो मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाऊंगी। झोपड़ी में पहुँचते ही उसने वो आटे की थैली रोटियाँ बनाने के लिए एक बर्तन में पलट दी, पर उसकी आंखें आटा देख फटी की फटी रह गई, क्योंकि आटे के बीच कुछ नोट निकलकर बर्तन में पड़े थे। वो उन नोटों को छूकर देखने लगी, कुछ 5,000 रुपए थे। जिंदगी में पहली बार उसने इतने पैसे एक साथ देखे थे। खुशी के मारे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन ही मन वो देवदूत को दुआएं भी दे रही थी। दोस्तों, इस कठिन समय पर हम सबका फर्ज बनता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, वो चाहे आर्थिक हो या मानसिक। हम सब अगर एक एक जरूरतमंद की मदद करें तो इस लॉकडाउन का मुकाबला हम आसानी से कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।